सो हेलो गाइस, आ गए आप लोग। तो आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए ज़बरदस्त बॉलीवुड की वो न्यूज़ें जो आपका दिन बना दे। सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ निकल कर अहमद खान की फिल्म ओम को अब साइन कर लिया आदित्य राय कपूर ने, और इसमें उनके साथ जो उनके साथ रोल निभाएंगी हीरोइन के तौर पर वो होंगी संजना सिंह की जो बेचारा फिल्म में आपने सुशांत सिंह राजपूत के साथ जिन्हें देखा होगा। सो नेक्स्ट, अनुराग कश्यप अब पायल के खिलाफ करेंगे कानूनी कार्रवाई, और वो कह रहे हैं कि मैं जो कानूनी कार्रवाई करूंगा उसमें मैं ऐसे मतलब मीडिया के सामने उल्टे सीधे बयान नहीं दूंगा, सिर्फ मैं सबूतों के साथ ही कार्रवाई करूंगा। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही, वरुण धवन पहुंचे भाई कपिल शर्मा के शो अपनी फिल्म कुली नंबर वन की प्रमोशन करने के लिए। कुली नंबर वन कोरोना के कारण ही रुक गई, नहीं तो वो कब की रिलीज़ हो जानी थी, इसकी रिलीज डेट भी कब की निकल गई। सो अब प्रमोशन के लिए पहुंचे, जिसमें सारा आप देख सकते हैं लाल सूट में लाल टॉप में आपको नजर आ रही होंगी। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है विकास उर्फ भाऊ की। सो विकास जो है यानी कि भाऊ, उनकी माँ का निधन हो गया, जिससे हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान, क्योंकि अपनी माँ के सबसे नज़दीक वही थे और अपनी माँ से काफ़ी अटैचमेंट थी उनकी। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है हेमू सिन्हा फराह खान के पार्टनर, डांसिंग पार्टनर, दोनों ने एक साथ ही करियर शुरू किया था, जिसके लिए फराह खान ने अपने ट्विटर पर ट्वीट करके उनकी पोस्ट भी डाली और इंस्टाग्राम पर भी पोस्ट डाल के कहा कि अपने दोस्त की याद में कुछ बातें कही। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है सुशांत की मौत के पीछे है उद्धव ठाकरे आदित्य ठाकरे का हाथ। उद्धव ठाकरे का जो बेटा है आदित्य ठाकरे, उसका हाथ है, ये कहा था महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रह चुके नारायण राणे ने। तो नारायण राणे ने ये बातें कहीं कि उद्धव ठाकरे जो कानूनी कार्रवाई हो रही है उसे उद्धव ठाकरे ढंग से नहीं होने दे रहे और अपने अधिकारों का गलत फ़ायदा उठा रहे हैं, जिस वजह से नहीं हो पा रही है सही से जांचें भी। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर ये नेहा कक्कर की जैसे कि शादी हो चुकी है और वो सही सलामत पहुँच चुकी है अपने ससुराल, और ससुराल में हुआ था उनका धूमधाम से स्वागत, और काफ़ी सारी पिक्चरें भी आपने देखी होंगी उनकी जो उनके रिसेप्शन से भी निकल के आ रही हैं। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है कि अपनी फिल्म का सीक्वल बनने जा रहा है, अपनी फिल्म जो 2007 में रिलीज़ हुई थी आई थी और काफ़ी अच्छी इसकी स्टोरी लोगों के लिए चली, बेशक ये थिएटर में इतना पैसा नहीं कमा पाई लेकिन इसकी जो स्टोरी थी वो सबको अच्छी लगी थी। तो अनिल शर्मा ने ये फिल्म बनाई थी और अनिल शर्मा ने अब अनाउंस कर दिया है कि वो सीक्वल बनाने जा रहे हैं, और इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे वही तीनों यानी कि सनी, बॉबी और धर्मेंद्र। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है करण जौहर को एनसीबी ने दी है क्लीन चिट, यानी कि एनसीबी ने बोला है कि जो वो पार्टी थी, जो पार्टी की वीडियो वायरल हुई थी, कि इस पार्टी के अंदर कोई भी ड्रग्स का नामो निशान नहीं दिखाया गया, ना ही कोई व्यक्ति ऐसा दिखाया गया जो ड्रग्स का सेवन कर रहा हो, ना ही व्यक्तियों से किसी उसकी पुष्टि होती है कि ड्रग्स लेके लोग उसमें कैसे बैठे हैं। नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है अनुष्का शर्मा से। अनुष्का शर्मा जैसे कि पता है आपको प्रेग्नेंट और जनवरी में उनकी डिलीवरी होनी है, लेकिन वो अपने हस्बैंड के लिए यानी कि विराट कोहली के लिए पहुंची उनकी टीम को चेयर करने, यानी एआरसीबी को चेयर करने, रॉयल चैलेंज बेंगलोर को चेयर करने पहुंची इसका, और जहां वो पहुंची राट सूट में और उनका बेबी डॉल भी उन्हें सबको नजर आया। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल रही है आलिया की माँ का था बर्थडे, यानी कि सोनी का बर्थडे था, और उनके साथ सारी नज़र आई कपूर फैमिली, जिसमें रणवीर कपूर और उनकी माँ भी उनके साथ नज़र आई। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल गया सलमान खान की फिल्म राधे से। राधे फिल्म होने वाली है कुछ ही दिनों में पूरी, और उसकी शूटिंग तो ख़त्म होने ही वाली है, और फिल्म होगी रिलीज़ और फिल्म के अंदर नहीं होगा कोई भी गाना। तो ये थी शौक आने वाली बात, फिल्म के अंदर कोई गाना नहीं होगा। फिल्म निर्माता ने कहा है कि फिल्म में गाना होना ज़रूरी ही नहीं है। सो नेक्स्ट न्यूज़ निकल के आ रही है रवीना टंडन की। तो रवीना टंडन ने अपने बर्थडे पे दिया अपने फैनों के लिए बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट, उन्होंने अपने फैनों को दिया तोहफा, KGF 2 का पोस्टर लॉन्च हुआ जिसमें रवीना टंडन को दिखाया गया है। सो आप देख सकते हैं। सो ये थी आज की बॉलीवुड न्यूज़, और बताएं आपको कैसी लग रही है न्यूज़। अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और ऐसी तड़केदार वीडियो आपके लिए सारी ही न्यूज़ की वीडियो लाते रहेंगे हम। न्यूज़ नो बकवास। Thank you.